अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पी के। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आजम। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ UN रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो हेल्थ है। हेल्थ इज़ द राइट आंसर। सो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इट वॉज अडोप्टेड इन 2015 बाई द UN टू अचीव अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं जो इसका जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये थी कि अ ब्लू प्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आल बाई 2020। ये अडोप्ट हुए 2015 से। सो 2015 से पहले जो गोल्स थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। ये टोटल 8 गोल्स थे। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो दीज आर द 17 गोल्स फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, सेकंड पे जीरो हंगर और थर्ड पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इस चीज़ के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। फिर ये टोटल 17 गोल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में इसके बारे में किसी एक बार में पूछ लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस सेटल पेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंटिनेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूरोप है। सो ट्रीटी ऑफ वर्सायलेस बेसिकली या पीस ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 28 जून 1919 में साइंड हुई टू एंड द वर्ल्ड वॉर 1। इसकी जो लोकेशन है वो हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सायलेस पेरिस फ्रांस में ये साइंड हुई, जो कि यूरोप में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो गिलगित है। शंदूर पास चित्राल को गिलगित के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज दी लवारी पास कनेक्ट्स दी दीर विद चित्राल। ये इसका राइट आंसर है। सो आप देख सकते हैं कि जो पासिस के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए एक पेपर में। सो दीज आर दी 11 पासिस। ये 11 पासिस, अगर तो आप PPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये 11 पासिस को अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि इसके बारे में लाजमी हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। सो इसकी परमिश के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, या इसको किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, और इसकी जो माउंटेन रेंज है वो किस माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। सो खैबर पास कनेक्ट करता है पेशावर एंड काबुल से। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि ये खैबर पास है, और KP के इसका जो एब्रीवेशन या एक्रोनिम के तौर पर याद कर लें, K मीन्स खैबर एंड P मीन्स पेशावर एंड K मीन्स काबुल। सो इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं। ये बाकी और कुछ ट्रिक्स चाहिए, LDC, MPC। सो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने लिखी हैं, अगर आप चाहे तो आप अपनी तरह से भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज दी सिरोसिस इज अ डिजीज डैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग। सो इसका जो राइट आंसर है वो लीवर है। लीवर इज द राइट आंसर। सो हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस इज अ सेम, इसके जो फंक्शन सेम है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो इसमें इन्फ्लेमेशन लीवर हो जाती है और इसमें स्कैरिंग ऑफ द लीवर हो जाता है। सो बेसिकली इट्स अ लीवर डिजीज। नेक्स्ट वन इज द नांगा पर्वत इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज। तो इसका राइट आंसर था हिमालय माउंटेन रेंज। सो नांगा पर्वत को हम किलर माउंटेन्स भी कहते हैं। इसकी हाइट 8,126 मीटर है। नेक्स्ट वन इज द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कोट मिठन है। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा गुलाम फरीद इज लोकेटेड इन कोट मिठन। नेक्स्ट वन इज दी कराक्रम हाईवे बिटवीन पाक एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1978 है। जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से 1978 इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज दी फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब इज दी सरदार अब्दुल रब निश्तर। उन्होंने जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर का पूछा था, नॉट फर्स्ट गवर्नर, जो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर है वो सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, और जो फर्स्ट गवर्नर है वो सर फ्रांसिस मोदी हैं। सो ये लिस्ट है गवर्नर ऑफ पंजाब की। नेक्स्ट वन इज दी रिवर काबुल ज्वाइंस द इंडस रिवर नियर दी
विच सिटी, तो इसका जो राइट आंसर था वो अटक है। नेक्स्ट वन इज दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय विच कंट्री, तो इसका जो राइट आंसर था वो फ्रांस है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय फ्रांस, इट वाज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। इसकी हाइट 93 मीटर है और इसको बिल्ट किया था रिचर्ड एंड फ्रेडरिक ने, इसको मिलकर इसको आर्किटेक्ट किया था। इट वाज कंप्लीटेड इन 1876 से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और 1886 में ये जाकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वन इज दी हवा खतून इज द फेमस पोइट्रेस ऑफ विच लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर था कश्मीरी लैंग्वेज। सो हवा खतून इज द फेमस पोइट्रेस ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज दी वेल्थ ऑफ नेशन बुक वॉज रिटन बाय विच ऑथर, तो इसका राइट आंसर था एडम स्मिथ, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज द प्राइम मिनिस्टर, ये इसका राइट ऑप्शन है। चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट, तो इसका राइट आंसर था 7 मार्च 1949, ये इसका राइट ऑप्शन है 7 मार्च 1949। नेक्स्ट वन इज द ओनली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज द नूरुल अमीन, ये इसका राइट ऑप्शन है। ओनली वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज नूरुल अमीन। नेक्स्ट वन इज द What is the minimum age of senator under 1973 constitution? इसका राइट आंसर था 30 years. 30 years is the minimum age of senator under 1973 constitution. Next one is the term of the office of election commissioner of Pakistan was 5 years. So ये इसका राइट आंसर 5 years है. Next one is the On the advice of Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the Assembly within how many hours? तो इसका right answer है 48 hours, ये इसका right option है। Next one is the only Muslim woman who attended round table conference was Begum Jahanara Shahnawaz, ये इसका right option है। The only Muslim woman who attended round टेबल कॉन्फ्रेंस, सो बेगम जहानरा शाहनवाज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये इसका राइट ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबल प्राइज रिसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, सो इसका राइट ऑप्शन है कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द डिन ऑन उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज सिविल सर्वेंट, न्यूज़कास्टर, बैंकर और पब्लिशर, तो बैंकर इसका राइट ऑप्शन है। मुश्ताक अहमद यूसुफी वाज अ बैंकर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज द डॉक्टर रुथफू द मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज, तो इसका राइट ऑप्शन था लेप्रोसी, लेप्रोसी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021-2030 एज द डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसका राइट ऑप्शन है डेकेड ऑन इकोसिस्टम restoration. Next one is the identified the most benefited sector of Pakistan because of GPS plus duty free access to European Union, to iska jo right answer hai wo textile and garments, ye iska right option hai textile and garments. GPS ka matlab hota hai global positioning system, so ye jo free access diya hai to टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। नेक्स्ट वन इज द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय विच
तो इसका राइट आंसर था सरोजिनी नायडू, ये इसका राइट ऑप्शन है। टाइटल ऑफ बेस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गिवन टू कैदी आजम बाय सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट वन इज दी कैदी आजम रिजाइंड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन द अकाउंट ऑफ रॉलेट एक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट वन इज दी वाटर गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पाइस के रिलेटेड ये स्कैंडल था वाटर गेट स्कैंडल, जिसके वजह से जो रिचर्ड निक्सन थे अमेरिकन के प्रेसिडेंट उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। नेक्स्ट वन इज दी IMF was created after the Malta Conference, London Conference, Round Table Conference और Bretton Woods Conference। इसका जो राइट ऑप्शन है वो Bretton Woods Conference है। IMF and the World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, ये फॉर्म्ड हुए आफ्टर द Bretton Woods Conference। ये 1944 में ये कॉन्फ्रेंस हुई एट द माउंट वॉशिंगटन होटल। सो IMF एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो के पार्ट है वर्ल्ड बैंक का, ये फॉर्म्ड हुए आफ्टर द Bretton Woods Conference। नेक्स्ट वन इज द चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज द पोलिटिकल इंटर शेडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज क्रिटिक्स इन द ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी, उसको हम शेडो कैबिनेट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द डील ऑफ द सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू विच इशू, तो फलस्तीन इशू, ये इसका राइट ऑप्शन है फलस्तीन इशू। नेक्स्ट वन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो शॉर्टेस्ट है वो आई थिंक USA का है। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड रेक्स स्टैंड्स फॉर द किंग, ये इसका राइट ऑप्शन है द किंग। नेक्स्ट वन इज द हो ची मिन वॉज द लीडर ऑफ द वियतनाम, ये इसका राइट ऑप्शन है लीडर ऑफ द वियतनाम। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी सर्व किया और एज अ प्रेजिडेंट भी सर्व किया, इनकी डेथ 1969 में हुई थी। ही वॉज द लीडर ऑफ द वियतनाम। नेक्स्ट वन इज द कंटिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स, तो 350 नॉटिकल माइल्स, ये इसका राइट ऑप्शन है 350 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट वन इज द सोवियत यूनियन वॉज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन विच ईयर, तो इसका राइट ऑप्शन है 1991, दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन वॉज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बॉर्डरिंग एग्रीमेंट विद द चाइना प्रूव अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो पाक रिलेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड हिज सर्विसेज टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट, इसका राइट आंसर था जुल्फकार अली भुट्टो, ये इसका राइट ऑप्शन है जुल्फकार अली भुट्टो इज द डिप्लोमैट जिन्होंने एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था। नेक्स्ट वन इज द वक्खन कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द पाकिस्तान ऑफ विच, तो नॉर्थ ये लोकेटेड है और द पाकिस्तान, वक्खन कॉरिडोर इज बिलोंग्स टू अफगानिस्तान विच सेपरेट्स ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ताजिकिस्तान को ये सेपरेट करता है। सो बेसिकली नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान डेट एक्सटेंड्स टू चाइना एंड सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। सो नेक्स्ट वन इज द क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005, सो ये इसका राइट ऑप्शन है 2005। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज बेसिकली अ क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2005 है, केम इनटू फोर्स इन 2005। नेक्स्ट वन इज द पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ कैनेडा, ये इसका राइट ऑप्शन है कैनेडा। नेक्स्ट वन इज द
The Quran and Sunnah are declared the supreme law of Pakistan under the amendment of 9th amendment. ये इसका राइट ऑप्शन ना है, 9th amendment. Next one is the कपास खपूल is a book written by which author? अहमद नदीम कासमी. ये इसका राइट ऑप्शन है. Next question is Hugo Chavez was the leader of the which country? तो इसका जो राइट आंसर था वो वेनेजुएला है. He was the leader of the Venezuela. Next question is the Bolshevik जो revolution had took place in which year? तो इसका राइट आंसर था 1917. Bolshevik revolution took place in 1917 under the leadership of the Bolshevik party leader Vladimir Lenin. इनकी क़यादत में ये revolution आया था to overthrow the Nicholas II जो उस वक़्त के बादशाह था उनके थ्रोन को हटाने के लिए, उनको थ्रोन से हटाने के लिए ये रेवोल्यूशन आया था. रशियन पीपल बेसिकली ब्लेम्ड निकोलस आर फॉर एंटरिंग द वार एंड गेटिंग सो मेनी ऑफ द यंग मैन किल्ड. सो दिस रेवोल्यूशन केम इन 1917 अंडर द लीडरशिप ऑफ द व्लादिमीर लेनिन. सो इनकी क्यादत में जो USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो ट्रीटी थी वो भी साइन हुई थी 1922 में, जिसमें यूक्रेन, रशिया, बेलारूस और एशिया जो आज का मॉडर्न जॉर्जिया और आर्मेनिया और अजरबैजान की कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर ये ट्रीटी साइन की थी 1922 में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जहांगीर खान वॉन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स इन द ब्रिटिश ओपन. ये इसका राइट आंसर था, जहांगीर खान वॉन 10 टाइम्स स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर इन द ब्रिटिश ओपन. नेक्स्ट वन इज द In 2018, German Chancellor Angela Merkel was sworn in for the fourth time. Yes, the right answer tha. Next one is the World Water Day celebrated every year on 22 March. So, yes, the right answer tha. Next one is the India's current president name is Ram Nath Koman. Yes, the right option hai. Ram Nath Koman, India's current president. Next one is who was the Pakistan's first ambassador to US? So iska jo right answer tha wo Abdul Hassan Asafani. Ye iska right answer tha. Who was the Pakistan's first ambassador to US? Abdul Hassan Asafani. Next one is Jabir Ibn Hayyan is famous for his work on chemistry. So ye iska right answer tha, chemistry. Next one is The Pakistani scientist who worked under Albert Einstein. So, इसका जो right option था वो मोहम्मद रियाजुद्दीन सदीकी. ये इसका right option था. Next one is India's represent what percent of total South Asia's population? So, 70%. I think इसका right answer है, 70%. Next one is When was sui gas first discovered in Pakistan? 1952 में ये discovered हुई, 1952 में. Next one is oceans covers how much a surface? 70%. ये इसका right option है, 70%. Next one is how many members are there in the Security Council? So total 15 members हैं Security Council के. इसमें 5 हैं परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. सो यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. सो इसके रिलेटेड काफ़ी जो यूएन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट वन इज सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय विच नेशंस? तो सार्क नेशंस, जो टोटल 8 कंट्रीज पर मुश्किल साउथ एशिया. सो दीज आर सेप्टा ट्रेड एग्रीमेंट साउंड बाय सार्क नेशंस. Next one is what is the brightest planet in the solar system? So its right answer tha Venus. Venus is the brightest planet in the solar system. Next one is what is the total length of the coastline of Pakistan? 1046 km according to the options. Yes, the right answer tha. Next one is Dome of Rock is located in Jerusalem. Yes, the right option tha Jerusalem. Next one is How many countries are members of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation? So, इसका जो total 8 members हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. Next one is
हाउ मैनी ऑफिशियल वर्डिंग लैंग्वेज रिकोगनाइज बाई यू एन ओ, सो टोटल 6 लैंग्वेजेज हैं। सो यू एन ओ के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द अरेबियन डेजर्ट, ये इसका राइट ऑप्शन है अरेबियन डेजर्ट। सो लार्जेस्ट है वो सहारा है, उसके बाद अरेबियन है। नेक्स्ट वन इज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ईरान है, ईरान इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज़ दी सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मुंबई इन विच ईयर, तो इसका राइट आंसर 1935 में सिंध सेपरेट हुआ मुंबई से। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज द तरबेला डैम, तरबेला डैम इसकी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज द वास्को ड गामा वॉज द नेटिव ऑफ द विच कंट्रीज ऑफ पुर्तगाल, ही वॉज पुर्तगाली वास्को डी गामा, सो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन द मिडल ईस्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, सो तुनिशिया इसका राइट ऑप्शन है, तुनिस, सो अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम तुनिस। नेक्स्ट वन इज द टिम्बुकटू इज अ फेमस सिटी ऑफ माली, ये इसका राइट ऑप्शन है माली। नेक्स्ट वन इज द थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन चाइना, ये इसका राइट ऑप्शन चाइना है, चाइना। नेक्स्ट वन इज द अप्रोक्सीमेटली वट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2% है, सो 2% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द इन प्लांट सेल्स विच रिएक्शंस अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो कैल्वन साइकिल इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड, इसका राइट ऑप्शन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू साइंस अर्थ इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड, 4.5 बिलियन ईयर्स, ये इसका राइट ऑप्शन है 4.5 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट वन इज द डैश मेकअप 14-17% ऑफ द स्केलेटन, फास्फोरस इसका राइट ऑप्शन है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन दैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम इज विटामिन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो विटामिन सी है, विटामिन सी इज द राइट ऑप्शन। विटामिन सी को हम अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और विटामिन सी भी कहते हैं, ये वाटर सोलेबल विटामिन है। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, एक होता है वाटर सोलेबल और एक होते हैं फैट सोलेबल। फैट सोलेबल में 4 विटामिन शामिल है जिसमें विटामिन के है और डी है, ई एंड के है, ये जो 4 विटामिन है ये हैं फैट सोलेबल विटामिन। सो इसके आपको जो फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए कि ये विटामिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सो जिस तरह विटामिन के का फंक्शन है कि ये ब्लड क्लोटिंग के लिए अच्छा होता है, और विटामिन डी इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में जो डिज़ीज़ आती है वो रिकेट्स होती है, और जो एडल्ट्स में जो डिज़ीज़ होती है वो ऑस्टियोमलेशिया होती है। इसी तरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी एक डिज़ीज़ है, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इस तरह आपको विटामिन जो बी का पूरा ग्रुप का पता होना चाहिए, जैसे B1 है उसका जो थायामिन को B1 कहते हैं, उसके अलावा जो B2 है उसको राइबोफ्लाविन कहते हैं, और जो B3 है उसको हम नायासिन कहते हैं। इस तरह ये आगे B6 है, पेंटोथेनिक एसिड वगैरह, तो आपको ये सारे विटामिन के जो साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, सो इसको आप लाजमी देखिएगा। नेक्स्ट वन इज़ द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज टाइम्स मोर देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2.25 है, वो किस तरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जो प्रोटीन्स हैं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन जो एनर्जी देती है वो 4 कैलोरीज है, 4 किलो कैलोरीज, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो देते हैं 3.75 है, और जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो 9, एक जो ग्राम होगा वो 9 कैलोरीज एनर्जी देगा। सो इसी तरह ये प्रोटीन से ये कार्बोहाइड्रेट से ये 2.25 टाइम्स मोर देन 2.25 टाइम्स है, सो इसका राइट ऑप्शन है ये। इस तरह अल्कोहल है वो 7 किलो कैलोरीज देता है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिल्क नीड्स टू बी पास्चराइज एट फिटिंग फॉर
कंप्लीट 161 फारेनहाइट फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। तो इसका राइट आंसर है 15 सेकंड, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो बेसिकली मिल्क पाश्चराइजेशन इज बेस्ड ऑन द HTST प्रोसेस। HTST प्रोसेस इज अ हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस। जिस जैसे हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज करते जाएंगे उसी तरह टाइम इसका कम होता जाएगा। नेक्स्ट वन इज द विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन B12। B12 इसका राइट ऑप्शन है, विटामिन B12। ये क्वेश्चन फिर विटामिन पे आ गया। सो नेक्स्ट वन इज द कॉनिफरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा फॉरेस्ट से इसकी बायोडाइवर्सिटी कम है, सो इसका राइट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट वन इज द रॉक्स दैट कंटेन्स फॉसिल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये इसका राइट ऑप्शन है, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट वन इज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स की वजह से जो ओजोन की डिप्लेशन होती है, फ्रियॉन्स। नेक्स्ट वन इज द डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट अमेजोन फॉरेस्ट। इसका राइट ऑप्शन है, डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व एट अमेजोन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। एलुमिनियम। एलुमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स। नेक्स्ट वन इज द ब्लैंक डीवीडीज ऑन विच डेटा कैन बी अरेस्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाइड एज DVD-RW, डीवीडी री राइटेबल। सो ये इसका जो राइट ऑप्शन है, DVD-RW। नेक्स्ट वन इज द हु गेव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो टिम बर्नर्स-ली, ये का आइडिया था टिम बर्नर्स-ली, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। ये इसका राइट ऑप्शन है, ब्लेस पास्कल, इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज द देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू एन अदर एप्लीकेशन। इसमें एक है एम्बेडिंग है, सेकंड वन इज द इंपोर्टिंग। इंपोर्टिंग इसका राइट ऑप्शन है, इंपोर्टिंग। नेक्स्ट वन इज द What is the name for a web page extracts from the following? So URL, URL is the right option, Uniform Resource Locator. Next one is the after the United States, the number of largest number of graduates are from which country? UK. UK is the right option. After US, second largest is UK. Consider the word segregation. Choose a word given below and that reveals opposite meaning. So segregation ka antonym hoga integration. Integration is ka right option hai, integration, segregation opposite. Next one is the scale of standard deviation is called variance. So iska right option variance hai. Next one is the function is a dash which can calculate the values given in a specific order. So iska right option hai, predefined formula. Predefined formula, ये इसका right option है। Next one is the operation Zerbe as underwent in the former Fata Azub was the name of the sword of Holy Prophet peace be upon him. So इसका right option है। Next one is the study of life in outer space is called exobiology. Exobiology, ये इसका right option है। Next one is the which of the following studies the interactions among organisms and their environment. So iska jo right option hai wo ecology hai. Next one is the age, average age of A and B is 30 years, then B and C is 22 years, average C is 40, C and A is 34 years, the age of C is how many years? So 36 years. Is question ko main solve nahi karunga kyunki jo 2020 ke jitne bhi math questions hai wo already solve karke channel pe upload kiye hue hain, wahan se aap de sakte hain. नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट द सीक्वेंस 611-27 टू 18 इसका जवाब है। नेक्स्ट वन इज द एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द फॉल परसेंटेज इज 54.5। सो ये इसका राइट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।